नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही कमाल की घरेलू उपाय बताने जा रही हूं, जो आपके बहुत ही काम आएंगी। नंबर एक, प्याज और गुड़ का सेवन करने से दिल स्वस्थ रहता है। नंबर दो, नारियल और गुड़ का सेवन करने से हमारे शरीर का मोटापा कम होता है। नंबर तीन, ज्यादा चावल का सेवन करने से डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है। नंबर चार, अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो रोजाना सुबह थोड़ी देर दातुन जरूर करें, इससे आपके दांत मजबूत तो होंगे ही, साथ ही चमकदार भी हो जाएंगे। नंबर पाँच, रोजाना सुबह उठते ही बालों में कंघी करने से बाल कम टूटते हैं और बाल मजबूत भी रहते हैं। नंबर छः, रोजाना दही या छाछ का सेवन करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर सात, रोजाना सुबह उठते ही बिना मुंह धोए हुए कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिए। नंबर आठ, डबल रोटी को दूध में भिगोकर खाने से दुबले पतले लोग भी सेहतमंद हो जाते हैं। नंबर नौ, रोजाना नहाते समय पानी में आधा नींबू निचोड़ लें, ऐसा करने से आपकी स्किन चमकेगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। नंबर 10, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द, थकान और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 11, अगर आपके चेहरे पर दाने निकलते हैं तो नीम के ताजे पत्ते को पीसकर दानों पर लगाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। नंबर 12, रात को सोते समय एक चम्मच देसी घी या फिर दो चुटकी हल्दी एक गिलास पानी में उबालकर गरारे करने से छालों में आराम मिलता है। नंबर 13, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है। नंबर 14, जले हुए बर्तनों को साफ करने के लिए उसमें प्याज काटकर पानी में उबालें, इससे बर्तन साफ हो जाएंगे। नंबर 15, बार बार पेशाब जाने की दिक्कत में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। नंबर 16, कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद पानी पीने से पेट में सूजन हो सकती है। नंबर 17, सुबह उठते ही मोबाइल का उपयोग करने से सिर दर्द की समस्या होने लगती है। नंबर 18, बच्चों को कुछ समय के लिए मिट्टी में खेलने दिया करें, मिट्टी में खेलने से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। नंबर 19, अगर आप एक ही तकिए को बिना धोए अधिक समय तक प्रयोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां और सर दर्द की परेशानी हो सकती है। नंबर 20, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार सादे पानी की जगह चावल के पानी का इस्तेमाल करें, इससे रंग तेजी से गोरा होता है। नंबर 21, जिन लोगों को पेशाब रुक रुक कर आता है उन्हें कच्ची मूली का सेवन करना चाहिए। नंबर 22, फैटी लीवर के मरीजों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 23, आम खाने के बाद हरी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 24, अगर आपको कब्ज की दिक्कत ज्यादा रहती हो तो मूंग की दाल ज्यादा सेवन करें। नंबर 25, कभी भी एक बार में पानी ना पिएं, पानी को हमेशा तसल्ली से बैठकर और घूट घूट करके ही पिएं। नंबर 26, ज्यादा चाय का सेवन करने से दांतों के एनिमल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 27, रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम का छिलका उतार कर खाएं और ऊपर से हल्का गर्म दूध पिएं, इससे यह दांत तेज होगी और आंखों की रोशनी भी तेज होगी और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 28, जिनकी त्वचा रूखी होती है उन्हें नाशपाती का सेवन करना चाहिए। नंबर 29, दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 30, मुलेठी और काली मिर्च को भूनकर गुड़ के साथ खाने से गले में खराश और गला बैठने की समस्या दूर होती है। नंबर 31, चुटकी भर काला नमक और अदरक के छोटे टुकड़े को मुंह में डालकर धीरे धीरे रस लेने से एसिडिटी ठीक होती है। नंबर 32, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची को पीसकर तुलसी और अदरक के रस में मिलाएं और शहद के साथ दिन में दो बार लें, इससे खांसी में आराम मिलता है। नंबर 33,
अगर आपको किसी भी कारण से नींद नहीं आ रही है तो रात को भोजन के बाद सोने से एक घंटे पहले हल्दी वाला गर्म दूध पिए, इससे नींद जल्दी आ जाएगी। नंबर 34, रोजाना एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से लीवर की कमजोरी दूर हो जाती है। नंबर 35, अगर आप फटी एड़ियों से परेशान हैं तो रात को सोने से पहले हल्का गर्म देसी घी फटी हुई एड़ियों पर लगाएं, इससे बहुत ही आराम मिलता है। नंबर 36, जो रात को सोते समय तकिया लेकर सोते हैं उन्हें कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की दिक्कत हो सकती है। नंबर 37, महिलाओं के लिए अश्वगंधा फायदेमंद होता है, यह त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी होता है। अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं से राहत मिलती है। नंबर 38, पपीते का सेवन पेट और वजन घटाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सुबह खाली पेट पपीता खाने से पेट से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। नंबर 39, गोभी के पत्तों को शरीर पर लपेटने से जोड़ों के दर्द और गठिया के सूजन में आराम मिलता है। नंबर 40, बड़ी इलायची को पानी में उबालकर पिएं और इससे आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी। नंबर 41, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो रोजाना रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पिएं। नंबर 42, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो सुबह सूरज की रोशनी में जरूर बैठें। सुबह सुबह की धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होती है। नंबर 43, रोजाना टमाटर या टमाटर से बने जूस का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 44, अगर आपके घर में घुटन महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। नंबर 45, कभी भी खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय पीने से गैस की दिक्कत हो जाती है, चाय के साथ हमेशा कुछ न कुछ अवश्य ले। नंबर 46, करेले की सब्जी हफ्ते में एक दो बार जरूर खाएं, इससे स्किन साफ और चमकदार होती है। नंबर 47, सुबह खाली पेट दही का सेवन करने से दिमाग को ठंडक मिलती है और दिमाग तेज होता है। नंबर 48, रोजाना पुदीने का सेवन करने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट भी ठीक रहता है। नंबर 49, गर्मी के मौसम में बाहर से आकर एकदम से बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। नंबर 50, बुखार उतारने के लिए एक गिलास पानी में गिलोय को काटकर अच्छे से उबाले और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर गरम गरम चाय की तरह पिए, इससे आपको बुखार को ठीक करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।